आज मकर संक्रांति के अवसर पर अहिल्या माता गौशाला इंदौर में जहां गायों को गुड़ धानी व चारा खिलाया गया और नेमी नगर जैन समाज के सभी सदस्य यहां पर उपस्थित हैं। देखिए यहां पर कितना बड़ा गौशाला बनी हुई है। बहुत ही बड़े रूप में यहाँ पर त्यौहार मन रहा है। हमारे जैन औषधालय के अध्यक्ष संदीप जी गंगवाल जो कि यहाँ पूरे नेमी नगर जैन कॉलोनी के सदस्य को लेकर आए और देखिए यहाँ किस तरह से सारे सदस्य आए हुए हैं और यह गायों को देखिए चारा गुड़ धानी खिलाई जा रही है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जितने भी रोग शोक हैं दूर होते हैं और घर में भी सुख शांति आती है। जैन समाज के सदस्य यहाँ पर गायों को गुड़ धानी खिला रहे हैं। बहुत ही बड़े एकड़ में ये फैली हुई जमीन जहाँ हजारों गायों का यहाँ पर पालन होता है और आज का विशेष दिन महत्व है यहाँ के गायों का। देखिए मैं संदीप जी गंगवाल जी से निवेदन करूंगी कि वो आज के दिन के उपलक्ष्य में यहाँ जो इतने जैन समाज के लोगों को लेकर आए बताएं कि आज का क्या महत्वपूर्ण दिन है। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से दिगंबर जैन समाज नेमी नगर वासियों ने आज एक संकल्प लिया था कि हम आज मकर संक्रांति के दिन गौ सेवा के लिए गौशाला पहुँचेंगे और ये संकल्प हमने प्रतिवर्ष दिन पे दिन लोगों को प्रेरित करेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गौशाला को वर्ष भर गोवंश की सेवा करने का संकल्प लिया है। ये आज के दिन आपने जो गाय को घास और ये गुड़धानी खिलाई है इसका महत्व क्या है? इसका गुड़धानी और गाय वर्ष नया वर्ष है ये और गाय वंश को जब से ब्रह्मांड की जननी है गाय हमारी और तब से ब्रह्मांड की रचना हुई है तब से गायों को ये संक्रांति के दिन गुड़ और चारे का। आज आप नेमी नगर जैन कॉलोनी से मतलब सदस्यों को लेकर आए हैं, कितने सदस्य आज जैन कॉलोनी से आए हुए हैं यहाँ पर? लगभग 100 लोगों ने आज ये संकल्प लिया है कि हम प्रतिवर्ष गाय का गौशाला में आके दान करेंगे चारे। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर ये अहिल्या माता की गौशाला इतने बड़े एकड़ में फैली हुई है और हमारे जैन समाज नेमी नगर के औषधालय के अध्यक्ष संदीप जी गंगवाल जी से हम बात कर रहे हैं और हमारे और भी सदस्य यहाँ पर देखिए ये गुड़ धानी खिला रहे हैं सभी गायों को और हमारे सुयत जी बापीवाल। आज के दिन जो विशेष महत्व होता है गाय को गुड़ धानी और खिलाने का, तो आप जो जैन औषधालय से कितने सदस्यों को जो लेकर आए हैं तो किस रूप में आप यहाँ पर मतलब किसकी प्रेरणा से यहाँ पर आए हुए? आचार्य विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से हम यहाँ पे आए और ये हर साल निरंतर करेंगे। ये देखिए हमारे सभी युवा साथी यहाँ पर ये देखिए ये समर्पित काम करते हैं यहाँ पे बिल्कुल। और जय और आप बहुत बड़े उद्योगपति हैं। कुछ भी नहीं हूँ। अरे मैं सराफ अरे अंकल जी तुम्हें तो आभार करना उधर मंच है बल्लू बल्लू। अरे अंकल जी उधर लेके चल रहे हैं। ये देखिए हमारे श्रेयान जी जैन जो कि यहाँ पर अपने परिवार सहित अपने बच्चे को लेकर आए हैं गाय माता को गुड़ धानी व घास खिलाने के लिए। श्रेयान जी आप बताएंगे कि यहाँ पर आज के जो विशेष दिन है मकर संक्रांति का, तो गाय को घास और गुड़ धानी खिलाने से क्या लाभ होता है?
किसकी प्रेरणा से आप यहाँ पर आए और कौन ने आपको प्रेरित किया है? इच्छा हुई क्या इसे चलता है मतलब संक्रांति के दिन गाय को ये खिलाया जाता है जी, तो जी। उस हिसाब से हम भी आए यहाँ खिलाने। बहुत बढ़िया। आचार्य श्री विद्यासागर की प्रेरणा और प्राणी माता की सेवा के लिए हम तो रोज कबूतर की सेवा जीव दया गौशाला यहाँ जाते जाते हैं और अपने जितना अपने शक्ति अनुसार काम करते हैं। बिल्कुल, देखिए सभी यहाँ पर इतनी बड़ी सभा रहती है, ये गुड़दानी सभी गाय को यहाँ खिला रहे हैं। ये देखिए उधर 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 ओ दादा उधर खिलाया। अरे ये देखिए हमारी यहाँ गाय माता इंतजार कर रही है गुड़धानी और ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये गाय माता की सेवा की जाती है। सभी लोग आते हैं यहाँ पर और उनको चारा और गुड़धानी खिलाते हैं। आज का दिन तो विशेष ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, देखिए। चलिए अब चलते हम आगे और हमारे अर्पित भैया जो कि जैन कॉलोनी के हमारे युवा साथी ये भी यहाँ पर आए हुए हैं गौशाला में। ये देखिए यहाँ पर दिगंबर जैन समाज नेमी नगर जैन कॉलोनी इंदौर सभी यहाँ पर हमारे विशेष अतिथि बैठे हुए हैं। आज हमारे सभी लोग आचार्य विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से यहाँ पर 100 से ज़्यादा सदस्य यहाँ आए हुए हैं और देखिए किस तरह से यहाँ पर ये आगे चली में और यहाँ पर आगे दिखाते हैं हम कितना बड़ा यहाँ पर बहुत सारी गाय हैं। जय जिनेन्द्र, आप ये बता सकते हैं कि ये जो गौशाला यहाँ बनी हुई अहिल्या माता की ये कितने साल और से यहाँ से चल रही है? 75 साल पुरानी है, 75 से 100 साल पुरानी है। और आज का जो विशेष दिन होता है मकर संक्रांति का जो विशेष दिन है तो आज के दिन जो गुड़धानी और ये चारा खिलाया जाता है तो इसका क्या महत्व है? संक्रांति तो देश का एक सांस्कृतिक पर्व है कि आज सूर्य धनु राशि से मकर राशि में जाते हैं तो इस वक्त इस उपलक्ष्य में गायों को विशेष रूप से मतलब गोग्रास और सब तरह का दान धर्म का हमारे शास्त्रों में महत्व है। लड्डू घास वगैरह इसलिए गायों को हम विशेष रूप से मतलब आज खिला के हम पुण्य अर्जित करते हैं। आपको यहाँ पर सेवा देते हुए कितने साल हो गए? मुझे 4 साल हो गए जी। आपका नाम? उमेश कुमार नीमा। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर इतनी बड़ी एकड़ में फैली हुई गौशाला है और जो यहाँ पर कितने सदस्य लोग हैं जो अपने यहाँ पर इतनी सालों से सेवाएं दे रहे हैं। और चलते हम आगे और गौशाला की ओर। ये दिगंबर जैन समाज नेमी नगर यहाँ पर आभार प्रदर्शित कर रहा है जो कि हमारे दिगंबर जैन समाज नेमी नगर के महामंत्री कैलाश जी लोहड़िया साहब यहाँ पर आभार व्यक्त कर रहे हैं। मकर संक्रांति के पावन हो अच्छा श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से गो सेवा संचालित होती है। उसी क्रम में नेमी नगर समाज के युवा गुर्ग द्वारा साथ ही शांतिनाथ दिगंबर जैन फार्मासी संस्था के सहयोग से नेमी नगर समाज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और आज किया गो सेवा के इस अवसर पर हमने यहाँ पर चारा और साथ में गुड़ का वितरण यहाँ पर किया है और साथ में अपने हाथों से वो सेवा करने का प्रयास किया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस अवसर पर इस कार्य को करने के लिए। यहाँ पर अहिल्या माता गो सेवा मंडल के सभी सदस्यों ने विशेष सहयोग किया है, हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। विशेष रूप से जो इस गो सेवा को
गौ सेवा का संचालित कर रहे हैं, अहिल्या माता गौ सेवा की जो देख रेख कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मैं जी जैन साहब का आभार करते हैं, उन्हें बारे में हमने संपर्क जाहिर किया। मैं उधर भर मैं संजीव जी और के साथ सहयोग कर रहा हूँ कि मैं जी जैन